Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the blessed name of the Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Hallelujah. Greetings to all of you in Jesus' wonderful name. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम की महिमा गाते हैं, आपके नाम का गुणानुवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम को धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं प्रभु। हालेलुया, शालोम शालोम सुनीता कौर जी, शालोम हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम्द करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। मैं गाऊं शुक्र गुजारी से, मैं गाऊं शुक्र गुजारी से, मैं इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम्द करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर में जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से, मैं गाऊं शुक्र गुजारी से, मैं हालेलुया। होली फादर, वी अप्रोच योर प्रेजेंस थ्रू द ब्लड दैट जीसस शेड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। फादर, थ्रू द ब्लड वी हैव ऑब्टेन्ड एक्सेस, थ्रू द ब्लड देर इज अ न्यू एंड अ लिविंग वे पेव्ड, ए पाथ हैज बीन क्रिएटेड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। लॉर्ड, दैट वी कैन कम इन टू योर प्रेजेंस। हालेलुया। होली माइटी लिविंग गॉड ऑफ इज़राइल, वी कैन कम इन टू योर प्रेजेंस। थैंक यू फॉर द स्पिरिट ऑफ सनशिप। थैंक यू लॉर्ड फॉर द राइट ऑफ adoption that you bestowed upon us, that we can call you Abba, Father. We can approach you as Daddy. Hallelujah. Avinu Malachinu Avun Dvashmayo. Through the blood we come to you. Hallelujah. Lord, we come into your presence. Lord, that you will flood our hearts with your presence, with your glory, with your majesty. Lord, that you will fill our mouth with praise. Lord, that our hearts will be saturated with appreciation and gratitude. Hallelujah. Tere pyar se hame bhar khudavan. Fill us with your love. Tu pyar hai. You are agape. You are everlasting love. Aapko malum, Parmeshwar ne hame everlasting प्यार से प्यार किया है। Everlasting का मतलब समझते हैं आप? Eternal love, अबदी प्यार, जिसका मतलब जिस प्यार से यहोवा पिता ने हमें प्यार किया है,
वो इटर्नल है। उसका मतलब वो प्यार कभी शुरू नहीं हुआ और वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर, देयर वॉज नेवर अ डे व्हेन गॉड स्टार्टेड लविंग अस एंड देयर विल नेवर एवर बी अ डे व्हेन गॉड्स लव विल डिमिनिश। ही लव्ड अस विद एन इटर्नल लव, लव दैट हैज नो ओरिजिन, लव दैट इज इनफाइनाइट, लव दैट हैज नो बिगिनिंग, लव दैट शैल हैव नो एंड। ऐसा प्यार जिसका अंत नहीं है, उस प्यार से उसने हमें प्यार किया है। खुदावंद, मैं तेरे इन लोगों को, विनोद क्रिश्चियन जी को कनाडा से तेरे लहू में छिपाता हूँ, गुरदीप सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ, बॉबी आर्ट के लिए, सुनीता कौर आपकी बेटी को आपके खून में छिपाता हूँ, हरजिंदर पाल भाई को आपके खून में छिपाता हूँ, हरजीत को, हरजीत सिंह को और इनकी पत्नी को आपके खून में छिपाता हूँ, रिंकल गाबा कथूरिया को, इनके ख़ानदान को आपके खून में छिपाता हूँ खुदावंद, शालू गाबा को, इनके परिवार ख़ानदान को आपके खून में छिपाता हूँ। लॉर्ड, आई प्रे दैट यू ब्लेस एंजेला ड्रोच, दैट योर हैंड बी अपॉन हर, हालेलुया, दैट योर स्पिरिट विल फ्लड हर सोल, ब्लेस मलकियत गिल, लॉर्ड आई प्रे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इमैनुअल सहोता, हिज एंटायर हाउस होल्ड, हिज फैमिली, सन्स एंड हिज वाइफ एंड हिज पेरेंट्स एंड हिज एंटायर हाउस होल्ड, लॉर्ड ब्लेस योर डॉटर एग्नेस लाल, मे योर हैंड बी अपॉन हर, मे योर ब्लेसिंग बी अपॉन हर, मे योर स्पिरिट रेस्ट अपॉन हर, लॉर्ड हालेलुया, एंड आई प्रे ब्लेस हरविंदर गिल, मे योर हैंड बी अपॉन हरविंदर गिल, लॉर्ड आई प्रे फॉर पास्टर सतपाल एंड हिज हाउस होल्ड, दैट यू वुड ब्लेस हिम, लॉर्ड आई प्रे फॉर रेनू बाला माई वाइफ, दैट योर हैंड विल बी अपॉन हर, आई प्रे फॉर रूबी संघेरा एंड हर हाउस होल्ड, दैट यू वुड ब्लेस हर हाउस होल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, एंड फादर आई प्रे फॉर रिक ब्राउन, दैट यू वुड ब्लेस दिस पर्सन, दैट योर हैंड वुड बी अपॉन हिम, आई प्लीड योर ब्लड, एंड फादर आई प्रनाउंस द ब्लेसिंग विद विच यू ब्लेस्ड अ पैट्रियार्क्स, एब्राहम, आइजक एंड जेकब, ब्लेस ब्रदर ललित मेहरा, आई प्रे फादर फॉर अ मिरेकल, मिरेकल प्रोविजन ऑफ अ न्यू हाउस फॉर ललित मेहरा इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, खुदावंद तेरे लोगों को तेरे खून में छिपा, ब्लेस विनोदनी क्रिश्चियन योर डॉटर, मे योर हैंड बी अपॉन हर, लॉर्ड हालेलुया, मे योर हैंड बी अपॉन मलकियत गिल, बरकत दें खुदावंद तेरे लोगों को, तेरे कलाम में से जब हम देखते हैं तो हमसे बातें करना खुदावंद, यीशु मसीह आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। मैं जो सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे 3-4 दिन से, जीसस इज़ अ रेस्ट, मैं अभी शाम को उस पर मनन नहीं करने जा रहा हूँ, आई विल कंटिन्यू दैट सब्जेक्ट टुमारो, हालेलुया। आइए हम सब मिलके एक बार, एक भाई हैं महेश कुमार दिल्ली में, जिनकी फैमिली में ब्रेक थ्रू चाहिए, पवित्र आत्मा का काम हो, प्रभु हम महेश कुमार को आपके खून में छिपाते हैं, आपका लहू छिड़कते हैं उसके घर पे, हम मोनिका सबरबाल पे आपका खून छिड़कते हैं, उसके बेटे का ऑटिज़म, खुदावंद आई स्पीक टू द ऑटिज़म विल लीव दैट चाइल्ड्स बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस, तेरा खून काम करे खुदावंद, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस लॉर्ड मनप्रीत कौर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ब्लेस मीनू सूद लॉर्ड, एंड आई प्रे फॉर हर हस्बैंड जीलिंग, आई कवर ऑल दीज चिल्ड्रन ऑफ योर्स अंडर द ब्लड, ब्रदर रमन खान एंड हिज फैमिली, एवरीबॉडी आई कवर अंडर द ब्लड, खुदावंद तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। I will continue tomorrow the same subject, Jesus is a rest, and how we would enter into rest, and how we would have a sacred awe of God, and how there should be a healthy fear in our hearts, lest we miss what they missed. They could not enter into the rest of the Lord. Hallelujah. Kathaposis. Khair, usme nahi jayenge. Abhi aaj main aapke saath परमेश्वर के एक बड़े अद्भुत कलाम को बांटना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के पंखों के नीचे पनाह लेना, ही दैट ड्वेलेथ अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी, जो महाप्रतापी परमेश्वर की छाया में रहता है, जो उसके पंखों में पनाह लेता है, इसके विषय में आज हम मनन करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने ये चाहा, जैसे मैंने आपको बताया, this was deep desire of God that he will come and dwell among his people.
वो अपने लोगों में डेरा करे, ये परमेश्वर की अभिलाषा थी। मैं एक वचन देना चाहता हूँ, सबसे पहले आप पढ़िएगा एमस, बुक ऑफ एमस, अमोस नबी की किताब, अमोस नबी की किताब निकालिए जल्दी से, होशे जोएल उसके बाद अमोस, अमोस नबी की किताब निकालिए और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 9th चैप्टर, अमोस नबी की पुस्तक 9 अध्याय। हालेलुया, प्लीज़ बीच में टाइप करते जाइए, अध्ययन कीजिए, लिखिए कलाम को, मेडिटेट कीजिए। सुनिए भविष्यवाणी जो परमेश्वर का दास अमोस करता है। इन दैट डे आई विल रेज अप द टैबरनेकल ऑफ डेविड, द फॉलन हट और बूथ और टैबरनेकल एंड क्लोज अप इट्स ब्रीचेज एंड आई विल रेज अप इट्स रूइंस एंड आई विल बिल्ड इट एज इन द डेज ऑफ ओल्ड। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की और प्रतिज्ञा की, अद्भुत वायदा किया अमोस नबी के द्वारा कि अंत के दिनों में, इन दिनों में परमेश्वर क्या कहता है, मैं दाऊद के गिरे हुए तंबू को खड़ा करूंगा। राजा दाऊद ने एक टैबरनेकल बनाई, एक तंबू बनाया। आपको मालूम राजा दाऊद एक नबी था, राजा दाऊद एक याजक भी था और राजा दाऊद एक किंग भी था। राजा दाऊद के ऊपर 3 अभिषेक थे, डेविड कैरिड किंगली अनॉइंटिंग, डेविड कैरिड प्रीस्टली अनॉइंटिंग एंड डेविड ऑल्सो कैरिड प्रोफेरिक अनॉइंटिंग। डेविड इज अ प्रोटोटाइप ऑफ जीसस, ही इज रेप्लिका ऑफ जीसस ऑफ नेजरत। तो दाऊद ने एक खेमा बनाया, उस खेमा में, तंबू में दाऊद ने परमेश्वर के अहद की संदूक को रखा। मैं अभी आपको, लेट मी जस्ट वॉक अराउंड, आई वॉन्ट टू शो यू, मैंने पहले भी आपको दिखाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजा दाऊद आपको मालूम किस चीज से प्यार करता था, द आर्क ऑफ द कवनेंट, ही लव्ड द आर्क ऑफ द कवनेंट। हालेलुया, हालेलुया, देखिए, हालेलुया, लुक एट दैट, The Ark of the Covenant of the Lord. Look at that. Hallelujah. सुनिए ध्यान से आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 15, बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 15 और 16 वचन, खुद पढ़िए। वहाँ पे ये जो अमोस नबी की भविष्यवाणी, ये अंत के दिनों की है, इन दिनों की जिनमें हम, आप और मैं रह रहे हैं। इस भविष्यवाणी को, ये प्रेरितों की पहली कौंसल है, 15 अध्याय प्रेरितों के काम पुस्तक में, दिस इज कॉल्ड जरूसलम कौंसल। सभी प्रेरित यरूशलम में इकट्ठा हुए हैं और किस चीज पे मनन कर रहे हैं कि इन दिनों में, ये जो अंत के दिन है, इन दिनों में यहोवा परमेश्वर लौटेगा। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 15 और 16 वचन, एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स चैप्टर नंबर 15 वर्सेस 15 एंड 16, गॉड इज रिटर्निंग नाउ इन दीज डेज एंड गॉड इज डूइंग वॉट, ही इज रीबिल्डिंग द फॉलन टैबरनेकल ऑफ डेविड। दाऊद के गिरे हुए तंबू को यहोवा परमेश्वर खड़ा कर रहा है। यहोवा परमेश्वर जो शिलो में टेम्पल बनी, जहां पे एली याजक था, उसे खड़ा नहीं कर रहा। यहोवा परमेश्वर मूसा के खेमा को खड़ा नहीं कर रहा। यहोवा परमेश्वर जो भव्य मंदिर सुलेमान ने बनाया, उसे खड़ा नहीं कर रहा है। यहोवा परमेश्वर जो सेकंड टेम्पल एज्रा नहेमिया जरूबाबिल के समय में बना, उसे दोबारा नहीं बना रहा। यहोवा परमेश्वर वो टेम्पल जिस समय जीसस क्राइस्ट आए, उस टेम्पल को मॉडिफाई किया था हेरोड द किंग ने, जूस को थोड़ा बटर करने के लिए। यीशु मसीह को वो टेम्पल दिखाएगी तो यीशु मसीह ने कहा पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा। वो टेम्पल, वो हैकल भी 70 AD में टाइटस जो गवर्नर था रोम का, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे रेज कर दिया, लेवल कर दिया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं उन टेम्पलों को खड़ा करूंगा, प्रभु कहता मैं दाऊद के तंबू को खड़ा करूंगा। इन दिनों में परमेश्वर यहोवा क्या कर रहा है, तंबुओं को खड़ा कर रहा है। मैं लौटूंगा
प्रेरितों के काम 15 अध्याय 15-16 वचन 17 वचन पढ़ लीजिए। प्रभु कहता है मैं दाऊद के तंबू को खड़ा करूंगा। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे ये जो है ऐद का संदूक, ये लाइफ लाइन है इज़राइल की। इसके बगैर इज़राइल कुछ भी नहीं है। आपको मालूम क्यों? क्योंकि ये जो प्राश्चित का ढकना है ना, ये जिसके ऊपर ये करूब बने हैं, इस प्राश्चित के ढकने के ऊपर खून उंडेला जाता है योम किपुर के दिन, और वो खून इज़राइल के पाप को ढकता है, और उस खून के ऊपर खुदावंद की हजूरी साया करती है। अगर खुदावंद की हजूरी इसके ऊपर ना हो तो ये एक पीस ऑफ फर्नीचर है, ये कुछ नहीं है। अगर खुदावंद इसके ऊपर सवार ना हो, वो करूबों के ऊपर सवार होता है और ऐद के संदूक पे वास करता है। ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, ये करूबों के बीच में, ये यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ये देखिए, ये करूबों के जहाँ पंख मिले हुए हैं आपस में, ये जो नीचे जगह है यहाँ पे, इसे मर्सी सीट कहा जाता है। ये जो जगह है, ये है मर्सी सीट। देखिए, इसके ऊपर लहू होता है। 5 बार पुराने नियम में, मूसा की 5 पुस्तकों में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मूसा से कहता है, आई विल मीट यू हेयर। कहाँ? ये करूबों के पंखों के बीच में मैं तुझसे मिलूंगा। आपको मालूम, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि मूसा ने खेमा बनाया। पहला इतिहास 1 अध्याय का 3 वचन, 1 क्रॉनिकल 1:3, प्लीज टाइप करते जाइए। लेकिन मूसा के खेमा की बातें 1 क्रॉनिकल 15, 1 क्रॉनिकल 16, 1 इतिहास 15 अध्याय, 1 इतिहास 16 अध्याय उनके अंदर जिक्र है। 1 इतिहास 16 अध्याय, 1 इतिहास 15 अध्याय और 1 इतिहास 1 क्रॉनिकल्स 1:3। लेकिन आप गहराई से ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको कि राजा दाऊद ने दाऊद की नगरी में मोरिया पहाड़ के ऊपर, जायन के ऊपर, सियोन के पर्वत के ऊपर राजा दाऊद ने एक तंबू बनाया, और उस तंबू में उसने क्या रखा? वो इससे प्रीति करता था, यहोवा के ऐद के संदूक से। उसने यहोवा के ऐद के संदूक को वहां पे रखा। हम देखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे 1 सैमुएल उसका 4 अध्याय और 5 अध्याय, मैंने आपको पहले इस पे कई बार संदेश दिया। एली याजक है, शिलो में यहोवा का घर है, शिलो में ऐद का संदूक रखा हुआ है, लेकिन एली के बच्चे लुच्चे हैं, परवर्ट हैं, वो यहोवा को चढ़ाए जाने वाली कुर्बानियों का अनादर करते हैं, गोश्त को निकाल के खा लेते हैं, और उन्होंने आराधना की पद्धति को भ्रष्ट कर दिया इज़राइल में। और जो हैकल के ओसारे में औरतें सेवा करती हैं, वो उन औरतों के साथ व्यभिचार करते थे। उन्होंने इज़राइल के अंदर यहोवा का आदर, यहोवा का सम्मान नहीं किया, यहोवा की पवित्रताई को, यहोवा की धार्मिकता को, यहोवा के जलाल को सम्मान नहीं दिया। तो यहोवा ने क्या किया? सजा दी, दंड दी। यहोवा ने पूरा एली का घराना नाश कर दिया। और आपको मालूम, पढ़िए आप 1 सैमुएल 4 और 5 अध्याय, ऐद का संदूक, फिलिश्ती लोग इसे, लड़ाई के मैदान में हजारों यहूदी मारे गए, फिलिश्ती इसे कैप्चर करके ले गए। फिलिश्तियों ने यह सोचा कि ये जो ऐद का संदूक है, इसके अंदर मिरकल पावर है, कोई मैजिकल पावर है इसके अंदर। अगर ये ऐद का संदूक हमारी तरफ आ जाए तो हम इज़राइल को हरा के पूरी दुनिया पे राज करेंगे। वो ऐद के संदूक को ले गए, और उन्होंने ऐद के संदूक को ले जाके कहाँ पे रखा? अपने देवता दगोन के मंदिर में। 1 सैमुएल 5 अध्याय का 2-4 वचन पढ़िएगा। 1 सैमुएल 5 अध्याय उसका 2-4 वचन, उनका देवता था दगोन, बहुत बड़ी मूर्ति थी, बहुत फुट ऊंची मूर्ति उस देवता की थी, पत्थर की। उस देवता के मंदिर में परमेश्वर जिंदा यहोवा के ऐद के संदूक को रख दिया। जब वो सुबह आए, उन्होंने अपने देवता की टेंपल को खोला, तो उनके देवता का सिर टूटा पड़ा था, बाजू टूटी पड़ी थी और टांगे टूटी पड़ी थी। यहोवा के जलाल ने जो
करूबों के बीच में विराजमान था, उस देवता की मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। हालेलुया। और आपको मालूम क्या हुआ? पहला सैमुएल 5:6-12 पढ़े। उन्होंने यहोवा की पवित्र ऐद के संदूक को मिसहैंडल किया, तो यहोवा ने फिलिस्तियों को सजा दी। आपको मालूम उन्हें इतने बड़े बड़े बॉयल निकल आए, जिसे हम गिल्टियां बोल देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गिल्टियां उनके पूरे शरीर में निकल आई। और उनके देश में चूहे आ गए सुपर नेचुरली, उनके खेतों की सारी फसल को चूहे खा गए। पहला सैमुएल 5:6-12 पढ़ लीजिएगा। इतने चूहे आए कि उनकी सारी फसल खा गए और सारे के सारे फिलिस्ती बीमार पड़ गए, क्योंकि उनके गिल्टियां निकल आई, यहोवा ने मारा उन्हें। तो फिलिस्ती डर गए, रोने लगे, विलाप करने लगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5 चूहे बनाए सोने के, और जो गिल्टियां होती ना शरीर के अंदर, वैसी सोने की गिल्टियां 5 बनाई और यहोवा के अहद के संदूक के सामने रखी, और चुपके से यहोवा के अहद के संदूक को छोड़ गए। पहला सैमुएल 6 पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा 5 सोने के चूहे बना के, 5 गिल्टियां बना के यहोवा को अर्पण कर दी। उन्होंने सोचा ये इसराइलियों का बड़ा खतरनाक देवता है, हम इसके क्रोध को कैसे शांत करें। तो उन्होंने यहोवा को रिश्वत देनी चाही, भेंट चढ़ानी चाही, पीस करना चाहा यहोवा के साथ, ताकि यहोवा उन्हें ना मारे, और यहोवा ने उन्हें छोड़ दिया, चंगा कर दिया। वो ऐद का संदूक छोड़ गए। और आपको मालूम यहोवा के ऐद के संदूक को जब वो लेकर आ रहे थे, उन्होंने एक बड़ी भयंकर गलती की, एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने, आपको मालूम क्या की? उन्होंने यहोवा परमेश्वर के अहद के संदूक का, ये जो अहद का संदूक है, ये देख रहे हैं अहद का संदूक, इसके ऊपर ये प्राश्चित का ढकना है, ये रिमूवेबल लिड है। उन्होंने क्या किया? यहोवा परमेश्वर के पवित्र अहद के संदूक का, शायद उन्होंने बुरी मनसा से नहीं किया ऐसा, तो पहला सैमुएल 5:12 में आप पढ़ ले कि कैसे यहोवा ने उनको ट्यूमर लिखा, यहाँ पे हेमरॉइड लिखा, हेमरॉइड कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है, एमरॉड या हेमरॉइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा है 6 में अगर पढ़ेंगे, फिलिस्ती क्या कहते हैं? इफ वी सेंड अवे द आर्क ऑफ गॉड ऑफ इज़राइल, डू नॉट सेंड इट एम्प्टी बट एटलीस्ट रिटर्न हिम अ गिल्ट ऑफरिंग, हम एक भेंट दें अपने अपराध के लिए। तो वो क्या करते हैं कि हम चंगे हो जाएं, हमारे देश से श्राप चला जाए। देन दे सेड व्हाट शैल बी द गिल्ट ऑफरिंग दैट वी रिटर्न। तो लिखा है 4 में 5 सोने के चूहे बनाए और 5 गिल्टियां होती ना, जो गिल्टियां वो बनाई। हालेलुया। और क्या हुआ आगे? यहोवा को भेज दिया वापस, यहोवा से पीस कर लिया। ये पढ़ लीजिएगा पूरा 6। अब मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ, पहला सैमुएल 6 में आइए, यहाँ पे लिखा है पहला सैमुएल 6:10 में, एंड द मैन डिड सो एंड टुक टू मिल्क काओ एंड योक देम टू द कार्ट एंड शट अप द काव्स एट होम एंड दे पुट द आर्क ऑफ द लॉर्ड ऑन द कार्ट अलोंग विद इट द बॉक्स विद माइस ऑफ गोल्ड एंड द इमेजेस ऑफ द ट्यूमर। इसराइलियों ने जानवर के ऊपर एक गड्ढा बनाया, एक काट बनाया, उसके ऊपर यहोवा के ऐद के संदूक को सम्मान से रखा, क्योंकि यहोवा की हजूरी ने फिलिस्तियों को मारा, उनके गिल्टियां निकल आई और उनके खेतों की फसल चूहे खा गए। उन्होंने सोने के चूहे यहोवा को अर्पण कर दिए, 5 और 5 गिल्टियां बना के अर्पण कर दी, और उस आर्क को यहोवा के इस ऐद के संदूक को वापस भेज दिया। लेकिन पढ़ें 12, यहाँ पे लिखा है, एंड द काउ वेंट स्ट्रेट टूवर्ड्स बेथशेमेश अलोंग विद हाईवे लोइंग एज दे वेंट एंड turned not aside right or to the left and Philistine load followed them as far as the border of Beth Shemesh. Beth Shemesh unki territory thi, border tha. Beth Shemesh tak
वो जो जानवर थे सीधे जा रहे थे, यहोवा उनको संचालन कर रहा था, लेकिन फरिश्ते उनके पीछे पीछे गए ताकि वो उनकी हदों से, उनके बॉर्डर से पार हो जाएं। अब आगे क्या लिखा है, 13 वचन पढ़ें। नाउ द मैन ऑफ बेतशेमेश वर रीपिंग देयर वीट हार्वेस्ट इन द वैली, एंड दे लिफ्टेड अप देयर आइज एंड सॉ द आर्क एंड रिजॉइस टू सी इट। द कार्ट केम इन टू द फील्ड ऑफ जाशुआ ऑफ बेतशेमेश एंड स्टॉप देयर, एंड ग्रेट स्टोन वॉज देयर, एंड मैन स्प्लिट अप द वुड ऑफ द कार्ट एंड ऑफर्ड काउ एज अ बर्नट ऑफरिंग, भेंटे चढ़ाई। हालेलुया। और लेकिन यहां पे क्या लिखा है, आगे पढ़िए। द लेवाइट टुक डाउन द आर्क ऑफ द लॉर्ड एंड द बॉक्स बिसाइड इट इन विच देवर फिगर्स ऑफ गोल्ड एंड पुट देम अपॉन द ग्रेट स्टोन, एंड द मैन ऑफ बेतशेमेश ऑफर्ड बर्नट ऑफरिंग एंड मेड सेक्रीफाइसेज दैट डे टू द लॉर्ड। उन्होंने कुर्बानियाँ चढ़ाई, बर्नट ऑफरिंग, होम बलि, मेल बलियाँ चढ़ाई। 15 वचन मैंने पढ़ा आपके आपके लिए, आगे 16 वचन पढ़े। वेन द फाइव लॉर्ड्स ऑफ द फिलिस्टीन सॉ इट दे रिटर्न दैट डे टू इक्रॉन। फिलिस्तियों के जो लीडर थे वो वापस लौट गए। एंड दीज आर ट्यूमर ऑफ गोल्ड विच द पिलिस्टीनियन रिटर्न फॉर अ गिल्ट ऑफरिंग टू द लॉर्ड, वन ईच फॉर एशडॉड, गाजा, एशकलॉन, गैथ एंड इक्रॉन। अपने 5 शहरों के लिए 5 कुर्बानियाँ यहोवा को दी ताकि यहोवा का क्रोध उनके ऊपर ना भड़के। हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एंड माई आगे लिखा है, एंड द लॉर्ड स्लू सम ऑफ द मैन ऑफ द बेतशेमेश बिकॉज दे लुक्ड इन टू द आर्क। इसका अगर आप पढ़ेंगे 19 वचन, बेतशेमेश के लोगों ने एक बहुत बड़ा अपराध किया। उन्होंने ये जो यहोवा के ऐद का संदूक है इसकी पवित्रताई को नहीं समझा। ये देखिए, ये जो यहोवा के ऐद का संदूक है इसका ऐसे ये ढक्कन है, इसको उठा दिया उन्होंने और उठा के ऐसे ऐद के संदूक में देखा। जब उन्होंने इसका, यहोवा के ऐद के संदूक का ढक्कन उठा दिया, खोल दिया और ढक्कन को हटा के बीच में ऐसे देखा, तो आपको मालूम क्या हुआ वहाँ पे? परमेश्वर के कलाम में लिखा है 50,070 लोगों को यहोवा ने मार डाला। 50,070 पीपल डाइड। बेतशेमेश के 50,070 लोग मार दिए गए उसी समय, इंस्टेंटेनियसली मर गए। ऐसे उन्होंने ऐद के संदूक का ढक्कन उठा दिया। आपको मालूम वो क्यों मर गए भाई और बहनों? ये जो ऐद का संदूक है, ये जो पीस है, इसे बोलते हैं मर्सी सीट। इसे बोला जाता है प्राश्चित का ढक्कन, प्राश्चित का ढकना। योम किपुर के दिन महायाजक, योम किपुर से 10 दिन पहले महायाजक अपने आप को पवित्र करता है, अपने परिवार से अलग रहता है। 10 दिन वो डेज ऑफ ऑ हैं जूश लोगों के लिए। 10 दिन वो उपवास रखते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने परिवारों से, बीवियों से अलग रह के यहोवा की बाट जोते हैं। और 10 दिन के बाद महायाजक तैयार होता है और वो यहोवा के हजूर में जाने से पहले 2 बकरियों को, 2 गोट को कुर्बान किया जाता है। एक अजाजेल के लिए छोड़ा जाता है, एक के ऊपर इसराइली कौम के पाप ट्रांसफ़र किए जाते हैं और उसका लहू एक पवित्र बर्तन में लिया जाता है। लेकिन महायाजक जाने से पहले क्या करता है, एक बैल की अलग से कुर्बानी करता है और बैल का खून अलग से लेता है। महायाजक अपने प्राश्चित के लिए बैल का खून लेता है और इसराइली प्रजा के प्राश्चित के लिए बकरे का खून लेता, गोट का ब्लड लेता है, और वो गोट का ब्लड यहाँ पे पोर किया जाता है। ये है मर्सी सीट ऐद के संदूक के ऊपर। यहाँ पे यहोवा की हजूरी साया करती है। जब ब्लड वहाँ पे आता है, निर्दोष जानवर का खून, वो इसराइली कौम के पाप को ढांक लेता है। तब यहोवा का क्रोध, यहोवा का न्याय, यहोवा की करुणा में बदल जाता है, यहोवा के अनुग्रह में बदल जाता है, यहोवा की दया में बदल जाता है। लेकिन भाई और बहनों, बेतशेमेश के लोगों ने ये ढक्कन ऐसे उठा दिया। जब ये लहू अलग कर दिया गया, ढक्कन हटा दिया गया, इस ऐद के संदूक के नीचे जजमेंट है, न्याय है,
क्रोध है, यहोवा की पवित्रता ही है, यहोवा की धार्मिकता है। जब उन्होंने ये ढक्कन हटाया, नीचे से यहोवा की पवित्रता ही, यहोवा की जजमेंट, यहोवा का जस्टिस, यहोवा का न्याय बाहर निकला और प्रलय बन के 50,070 लोगों पे टूट पड़ा और 50,070 लोग मर गए। भाइयों और बहनों, इस प्रायश्चित के ढकने के बगैर, इसके ऊपर छिड़के गए लहू के बगैर आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, हालेलुया। आप उस परमेश्वर के हजूर में नहीं जा सकते बिना लहू के, बगैर लहू के कोई परमेश्वर के सन्मुख नहीं पहुंच सकता। हमारे धर्म के काम कितने भले क्यों ना हो, हमारा ज्ञान, बुद्धि, साधना, भक्ति, हमारी अपनी पवित्रताई कितनी भी शुद्ध क्यों ना हो, हमारे सारे शुद्ध से शुद्ध काम परमेश्वर के हजूर में गले सड़े चिथड़ों की मानिंद है। कभी अपने अहंकार में, अपने घमंड में, अपनी खूबी या अपनी लियाकत के द्वारा यहोवा के हजूर में जाने की कोशिश मत करना। केवल क्रूस हमें यीशु का क्रूस हमें पिता के पास ले जा सकता है। क्रूस का मार्ग सकरा मार्ग है, नैरो वे है, थिलीबो हुडोस, मैं बता रहा हूं, मत्ती 7:14 में सकरे मार्ग से प्रवेश करो, तंग है वो राह जो जीवन को लेके जाता है। ये तंग राह लहू से सना हुआ राह है भाई और बहनों। बैतशमेश के लोगों ने प्रायश्चित का ढकना हटा दिया, वो लहू रहित हो गए। आपको मालूम, इसे ये प्रायश्चित के ढकने को बोला जाता है किफरोत, जहां से हम शब्द बोलते हैं उर्दू में, अरबिक में कफारा, कफार, योम किप्रीम, कफार। कफार का मतलब प्राश्चित, अटोनमेंट। अटोनमेंट केवल यीशु मसीह का ब्लड कर सकता है। मेरे उपवास अटोनमेंट नहीं कर सकते, मेरी साधना भक्ति, मेरे दान पुण्य, मेरे भले काम अटोनमेंट नहीं कर सकते भाई और बहनों। केवल यीशु का लहू अटोनमेंट करता है। आपको यीशु के लहू में लिबड़े रहना है, यीशु के लहू में ढके रहना है, यीशु का खून आपके अंदर और बाहर काम करता रहे, तब तक आप बचे रहेंगे। यदि लहू हटाया आपने, आप जजमेंट के नीचे आ जाएंगे। बैतशमेश के 50,070 लोग मरे क्योंकि प्रायश्चित का ढकना हटा दिया गया। स्टे अंडर मर्सी, मर्सी सीट के नीचे छिपे रहें, करुणा की जगवेदी के नीचे बने रहें। घमंड मत कीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, आपका घमंड, आपका अहंकार, आपका दिखावा, आपके जो दोगले काम है ना, ये दंड, ये प्रायश्चित के ढकने को हटाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के ऐद का संदूक अमीनादाब नाम के व्यक्ति के घर में आ गया। 1 सैमुअल 7:1 पढ़ लीजिए। 1 सैमुअल 7:1 अमीनादाब याजकों के कबीले का व्यक्ति है, ये इलियाजार का बेटा है और लेवी है। इसके घर में ऐद का संदूक रहा, और आपको मालूम कितने साल रहा, आप हैरान रहेंगे, 20 साल इस याजक के घर में ऐद का संदूक रहा। अब ध्यान से सुनिए मैं जो बात बताने जा रहा हूं, 20 साल जब ऐद का संदूक इस याजक के घर में रहा अमीनादाब के, इसका मतलब कोई यहोवा की हैकल में उपासना करने नहीं गया है, कोई याजक आराधना करने के नहीं लिए नहीं गया, कोई गवैया यहोवा के हजूर में गाने के लिए नहीं गया, कोई यहोवा के लिए साज बजाने वाला यहोवा के हजूर में साज बजाने के लिए नहीं गया, किसी ने उन सालों में यहोवा की आराधना नहीं की, यहोवा के सन्मुख होम बलियां, मेल बलियां नहीं चढ़ाई गईं, कोई हैकल में नहीं गया, क्योंकि ऐद का संदूक अमीनादाब के घर में था। क्यों ऐसा हुआ, आपको मालूम क्यों हुआ? क्योंकि उस समय इज़राइल पे शाउल राज्य कर रहा है। सॉल वॉज द किंग हु वॉज रूलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन द आर्क ऑफ द कवेनेंट रिमेन्ड इन द हाउस ऑफ अमीनादाब एंड नोबडी एंटर्ड इनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, नोबडी ऑफर्ड सैक्रिफाइसेस ऑन द ब्रेजन ऑल्टर, नोबडी गेव अनटू द लॉर्ड बर्नट ऑफरिंग, पीस ऑफरिंग, any kind of offering, no, nothing was presented on the altar, no Levite entered into the house of the Lord, nobody put oil into menorah, the 7 candlestick, the light didn't burn in the house of the Lord, nobody went to offer the incense on the altar, golden altar, where
each day, evening and morning, incense was offered before God. आपको मालूम ये incense क्या थी जो धूप चढ़ाई जाती थी यहोवा को सुबह और शाम? ये धूप थी प्रार्थनाएं इज़राइल के लोगों की. और जो सात चिराग जलते थे वो सात रुए हैं, वो सेवन फोल्ड एनॉइंटिंग है, वो सेवन आर्क एंजल है, माइटी आर्क एंजल जो बुक ऑफ रेवलेशन में आपको दिखाई देते हैं. इज़राइल में कोई रूहानी काम नहीं हो रहा था. लेकिन शाऊल राजा एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था. शाऊल के समय इज़राइल की इकॉनमी बढ़ी. लोग कहते हैं ना विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए. इज़राइल की इकॉनमी बढ़ी, इज़राइल की खेती बाड़ी बढ़ी. शाऊल एक सियासी नेता था, अच्छा, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था. शाऊल को मार्केटिंग, शाऊल को ग्लोबल बिजनेस, शाऊल को इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रोटोकॉल, इन सब चीज़ों में बड़ी रुचि थी. शाऊल ने इज़राइल के राज्य का विस्तार किया. शाऊल ने बहुत सारे राज्यों को हरा के उनको अपनी ज्यूरिसडिक्शन में मिला लिया. और वो नेबरिंग कंट्री शाऊल के राज्य में उसके कोष में, खजाने में टैक्स दिया करते थे. बहुत विकास हुआ. लेकिन शाऊल यहोवा का खोजी नहीं था. आपको मालूम क्यों? क्योंकि वो अपने बाप की गधियां खोज रहा था. ही नेवर सॉट आफ्टर गॉड. 40 साल वो राजा रहा इज़राइल का. उस समय जब शाऊल राजा है, उस समय यहोवा के ऐद का संदूक अमीनादाब के घर में है. कोई आराधना नहीं हो रही है हैकल में, कोई कुर्बानियां नहीं चढ़ाई जा रही, कोई गवैये गा नहीं रहे यहोवा के आगे, कोई साज बजाए नहीं जा रहे यहोवा के आगे, कोई परस्तिश, कोई इबादत नहीं हो रही. आपको मालूम शाऊल के राज्य के विषय में क्या लिखा बाइबल में? जब शाऊल राज्य कर रहा था तब धन दौलत तो बहुत होगा, विकास तो बहुत होगा. लेकिन आपको मालूम तीन बातें लिखी हैं शाऊल के राज्य के समय में. सुनिए ध्यान से. लिखा है ड्यूरिंग सॉल्स डे पीपल वर इन डेट. शाऊल का खजाना जरूर बढ़ा, लेकिन जैसे आज हमारे देश में, भारत में लोगों का बहुत बुरा हाल है फाइनेंशियली. कोरोना वायरस हैज रियली ब्रोकन द बैक ऑफ द इंडियन इकॉनमी. इट्स -23.9, वेयर एज द ड्रीम वॉज दैट इट वुड बी +5% ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी. लोग गरीब हो गए. जो पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिच लोग हैं, वो अमीर हो गए. लेकिन आवाम, जनता, शाऊल के समय में पीपल वर इन डेट, पीपल वर डिसकंटेंट. लोगों के दिल खुश नहीं थे एंड पीपल वर डिसकरेज्ड. तीन चीजें लिखी हैं, 3D, पीपल वर इन डेट, पीपल वर डिसकंटेंटेड एंड पीपल वर डिसकरेज्ड. क्यों? क्योंकि यहोवा की हजूरी तो है ही नहीं. राज्य चल रहा है. आज बहुत सारी चर्चेस चल रही हैं इसके बगैर. उनके अपने प्रोग्राम हैं, अपने एजेंडा हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचिंग चल रही हैं. यूथ प्रोग्राम अलग, ये यूथ प्रोग्राम है, ये क्या कहते हैं चिल्ड्रन प्रोग्राम है, ये टीनेजर प्रोग्राम है, ये कपल्स के लिए प्रोग्राम है, ये एल्डरली लोगों के लिए प्रोग्राम्स हैं, ये पिकनिक्स हैं हमारी, ये हमारी फेट हैं, ये हमारे म्यूज़िकल टैलेंट कंपटीशन प्रोग्राम हैं, ये हमारे कल्चरल प्रोग्राम हैं, ये हमारा दिस प्रोग्राम एंड दैट प्रोग्राम. दे कीप द पास्टर्स एंड द लीडरशिप ऑफ द चर्च कीप्स द रोस्टर लोडेड विद एक्टिविटीज़ ताकि लोग कहीं और ना चले जाएं. लेकिन स्पिरिचुअल काम नहीं है, रूहानी काम नहीं है, आत्मिक नहीं है, जिससे मनुष्य के अंदर भोजन मिले, अंदरूनी मनुष्य दृढ़ हो, अंदरूनी मनुष्य यीशु मसीह की डील डॉल में बढ़े, जलाल में बढ़े, सामर्थ में बढ़े और यीशु मसीह के कामों के लिए तैयार हो और दुल्हन बगैर झुर्री धब्बे दाग के तैयार की जाए दूल्हा के लिए. ये काम नहीं है. 20 साल इबादत नहीं हुई, शाऊल को कोई फर्क नहीं पड़ा. 20 साल यहोवा की परस्तिश नहीं हुई. आपको मालूम, जरा देखिए ध्यान से, जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं वो वास्तव में स्पिरिचुअल हैं? उनकी इटर्नल वैल्यू है या नहीं? वो उनकी रूट्स हैं यहाँ पे इसमें जीवित कलाम में या नहीं? चेक आउट. हालेलुया. आपको मालूम यहोवा ने क्या कहा था? यहोवा ने लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 34 वचन में यहोवा परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा था कि मेरी हैकल में
रोज तेल डालना है सुबह शाम मनोरा में, और गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस जो होली प्लेस में है उसके ऊपर धूप चढ़ानी है सुबह शाम। यहोवा परमेश्वर ने कहा था हजूरी की रोटियों को तब्दील करना है, श्यू ब्रेड को। यहोवा परमेश्वर ने इसराइली को सिखाया था कि कुर्बानी करके जानवर की, निर्दोष जानवर की, उसका लहू कहाँ लाना है, इस ऐद के संदूक पे। तो शाउल के समय प्रायश्चित नहीं हुआ, अटोनमेंट नहीं थी, ब्लड नहीं था यहाँ पे। इसराइली प्रजा के पाप ढांके नहीं गए, इसराइली कौम के ऊपर आशीर्वाद नहीं था, एक प्रोफेशनल रिलीजन था उनके पास, धर्म था यहूदी धर्म, यहूदी धर्म के रिचुअल थे, ट्रेडिशन थे, यहूदी धर्म के सारे आडंबर थे, लेकिन यहोवा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई और बहनों उनके बीच में यहोवा के अहद का संदूक नहीं था। हालेलुया। तो प्रभु यहोवा ने क्या किया? प्रभु यहोवा ने कहा शाऊल को मैंने त्याग दिया है, मैंने अपने दिल के, इस दिल के अनुसार एक बंदा ढूंढ लिया है, वो उसका दिल, ही इज मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। और प्रभु आपको मालूम ये एक्सक्लूसिव टेस्टमनी है दाऊद के लिए, किसी और के लिए नहीं दी यहोवा ने, दैट डेविड इज अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। ये जूश कोलोकियलिज्म है, मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, इसका मतलब है यहोवा कहता है दाऊद वो व्यक्ति है जो मेरे दिल तक पहुंचने के रास्ते को जानता है। दाऊद मेरे दिल तक पहुंच जाता है, उसके पास ये कला है। दाऊद वर्शिपर है, आराधक है। आपको मालूम सबसे खूबसूरत अभिषेक है आराधना का। मांगिया मांगा आपने यहोवा से कि मैं आराधक बनना चाहता हूं आपका? परमेश्वर के राज्य की कुंजियां आराधकों के हाथ में हैं, जो उसकी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, परस्तिश करते हैं, जो उसके दीवाने हैं, जो उसके भूखे और प्यासे हैं। शाऊल एक पॉलिटिकली करेक्ट किंग है, टेक्निकली बिल्कुल सही है। बहुत सारे ईसाई लोग टेक्निकली बड़े सही होते हैं, दिल में कुछ नहीं होता उनके। कलाम के काले हर्फ जो है ना, इस बाइबल के अंदर जो ब्लैक लेटर लिखे हैं, रेड लेटर, इनकी नॉलेज तो होती है उनको, लेकिन उनका रिलेशनशिप डीप नहीं होता यीशु मसीह से। भाई और बहनों, द लेटर किल्स बट द स्पिरिट गिव्स लाइफ। ये रेवलेशन टू जेनेसिस एंड जेनेसिस टू रेवलेशन, काले हरफों का इल्म मत हासिल कीजिए, उसकी हजूरी में बैठिए, उसके चरणों की ताकत जानिए। आपको मालूम मार्था और मरियम एक ही घर में रहती थी, जब लाजर मर गया तो मार्था भागी गई, यीशु मसीह को घेरा, यीशु मसीह से डायलॉग बाजी करती है, ऐसे यीशु मसीह के आगे खड़ी होके यीशु मसीह से कहती है अगर तू पहले आ जाता तो मेरा भाई ना मरता, कंप्लेन कर रही है। यीशु मसीह उसे कहते हैं मार्था तेरा भाई जी उठेगा। वो यीशु मसीह को कहती है मैं जानती हूँ मेरा भाई उस दिन जी उठेगा। वो यीशु मसीह को बता रही है मुझे थियोलॉजी आती है, देयर इज़ गोइंग टू बी अ डे ऑफ रेजरेक्शन, आई नो थियोलॉजी, आई नो सिस्टमेटिक थियोलॉजी, आई नो होमोनेटिक्स, आई नो अपोलोजेटिक्स। बहुत सारे लोग इनके पीछे भाग रहे हैं थियोलॉजी के। यीशु मसीह मार्था से कहता मार्था आई एम द लाइफ एंड आई एम द रेजरेक्शन। मार्था ये सोच रही है मुर्दों का जी उठना, मुर्दों में से जी उठना, रेजरेक्शन एक इवेंट है जो फ्यूचर में होगा। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तेरे सामने खड़ा हूँ रेजरेक्शन, मैं हूँ रेजरेक्शन की सामर्थ, मुर्दों को जिंदा करने की, पाताल में से मुर्दों को उठा के नया जीवन देने की कुदरत मैं हूँ मार्था। यीशु मसीह, यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूँ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा आई एम डेथ एंड रेजरेक्शन, मैं मौत और पुनरुत्थान हूँ, मौत शैतान है, जीसस इज लाइफ। हालेलुया। आपको मालूम फिर मरियम आई, ध्यान से पढ़ लीजिएगा 11 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार। मरियम जब आई, जब मरियम ने यीशु मसीह को देखा, आपको मालूम क्या लिखा वहाँ पे? यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय पढ़िएगा। मरियम यीशु मसीह के पाँव पे लेट गई, प्रोस्ट्रेटेड, प्रोग्न्यूग्स के ग्रीक वर्ड, वो यीशु मसीह के चरणों के ऊपर लेट गई, बिछ गई, यीशु मसीह के पाँव पे शायद उसने अपना चेहरा रख दिया, क्योंकि ये वो बहन है जो यीशु मसीह के चरणों में बैठती है, यीशु मसीह की हजूरी की सामर्थ का पता है इसको। भाई और बहनों, इसका इल्म हासिल करके ज्ञानी बनने का कोई फायदा नहीं है,
अगर यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह आपको मालूम सेवकाई है क्या है? सेवकाई लोगों को यीशु मसीह देना है। मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ यीशु मसीह। जो आपके पास नहीं, वो आप किसी को दे नहीं सकते। सेवकाई है यीशु मसीह को देना। आपको मालूम प्रेरित पौलुस क्या कहता है? प्रेरित पौलुस कहता है, यहूदी तो चिन्ह ढूंढते हैं, यूनानी बुद्धि ढूंढते हैं, बट वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। प्रेरित पौलुस ये नहीं कह रहा कि हम क्रूस पे चढ़ाए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। ध्यान देना वहाँ पे, ग्रीक ग्रामर देखिए। प्रेरित पौलुस कहता है, हम क्रूस पे चढ़ाए यीशु मसीह को प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते। भेद समझ रहे हैं? यीशु मसीह का प्रचार करना और यीशु मसीह को प्रचार करना, जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को देना है दुनिया को। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह पृथ्वी पे आया पिता को दिखाने के लिए। यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। आपको मालूम यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया? यीशु मसीह के चेलों ने दुनिया को यीशु मसीह दिखाया। अब क्या हो रहा है? अब लोगों को अपनी चर्च दिखाते हैं। ये जी हमारी चर्च है, उधर 5 हफ्ते आना, 7 हफ्ते आना, आप चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह नहीं दिखा रहे आप अपना अड्डा दिखा रहे हो, आप अपना डेरा दिखा रहे हो, आप अपनी मर्चेंडाइज की प्लेस दिखा रहे हो, आप लोगों को चर्च से जोड़ रहे हो। हमारा काम है लोगों को यीशु मसीह के ब्लड से जोड़ना। आप इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन के साथ लोगों को बांधना चाहते हो। आप जीसस नहीं दिखा रहे, पिता नहीं दिखा रहे, चर्च दिखा रहे हो। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है, वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। हम क्रूस पे चढ़ाए यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। दे वर गिविंग जीसस बिकॉज दे हैड जीसस विद देम। तो परमेश्वर ने शाऊल को त्यागा और अपने दिल के मुआफिक एक बंदा चुना। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन रहा है भाई और बहनों, जो उसके दिल के अनुसार हैं। हाल आप उसके दिल के अनुसार बनिए, उसके दिल के राहों को ढूंढिए, उसकी परस्तिश कीजिए, उसके पीछे भागिए, उसके भूखे प्यासे हो जाइए, सुबह उठ के उसे ढूंढिए, रात की तन्हाइयों में उसे ढूंढिए, उसके कलाम को खा जाइए, उसकी हजूरी के पीछे भागिए, वो भर देगा आपको अपनी कुवत से। राजा दाऊद ने तंबू बनाया। यहोवा परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं सुलेमान की हैकल नहीं बना रहा। यहोवा परमेश्वर कह रहा है, मैं मूसा का खेमा नहीं बना रहा। यहोवा परमेश्वर कह रहा है, मैं शिलो की टेंपल नहीं बना रहा। यहोवा परमेश्वर कह रहा है, मैं इज़रा नहेमिया जरूबाबेल के द्वारा बनाई गई टेंपल नहीं बना रहा हूँ। मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ उनके अंदर। यहोवा परमेश्वर कह रहा है, जो हेरोदेश ने एम्बेलिश किया था टेंपल जीसस के टाइम, वो नहीं बना रहा हूँ मैं। यहोवा परमेश्वर कह रहा है, प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 15 और 16 वचन में यहोवा परमेश्वर कह रहा है, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं दाऊद के गिरे हुए तंबू को खड़ा कर रहा हूँ। दाऊद का तंबू, ये है तंबू दाऊद का, आपकी देह, ये है तंबू। अगर यहोवा परमेश्वर चर्चों के अंदर होता तो अब तो चर्चेस को ताले लगे हैं भाइयों, तो वो तो होमलेस हो गया होता। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? इस खेमे को खड़ा कर रहा है यहोवा। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द चर्च। मैंने 3 दिन पहले आपको संदेश दिया है, हम हैं उसका खेमा। दाऊद के खेमा में बहुत अद्भुत बातें थी जो टेंपल में नहीं थी, जो मूसा के खेमा में नहीं थी, जो शिलो की टेंपल में नहीं थी, जो सुलेमान की टेंपल में नहीं थी, जो इज़रा नहेमिया ज़रुब्बाबेल वाली टेंपल में नहीं थी, जो हेरोदेस वाली टेंपल में नहीं थी। इस पे हम मनन करेंगे और गहरा, और इसकी गहराई में जाएंगे। कल सुबह मैं आपको यही संदेश दूंगा और कल शाम को जीसस इज आवर रेस्ट, उस सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। भाई और बहनों, शाऊल अपनी किंगडम से प्यार करता था, अपने थ्रोन से, अपने किंग होने के ग्लैमर से, अपने महलों से प्यार करता था, अपने स्टेटस से कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, अपनी ट्रेजरी से, धन दौलत से, अपना फेम, नाम जो उसने कमाया उससे प्यार करता था। राजा दाऊद यहोवा से प्यार करता है।
वह यहोवा का तालिब है, मुश्ताक है, भूखा और प्यासा है। हालेलुया। क्या आप यहोवा के भूखे और प्यासे हो? क्या आप परमेश्वर के सच्चे तालिब हो? यीशु मसीह कहता है, ये लोग होठों से मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, इनका दिल मुझसे कोसों दूर है। क्या आप सचमुच उसके भूखे प्यासे और तालिब हैं यहोवा परमेश्वर के? हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। दाऊद की मानिंद उसकी इबादत करने वाले, राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा, रात के पहरों में मैं तेरी स्तुति करूंगा, वॉचेज ऑफ नाइट, तीन तीन घंटे के बाद उठ के तेरा धन्यवाद करूंगा, बड़ी भोर उठ के मैं तेरी स्तुति करूंगा, तुझे ढूंढूंगा, तेरी खोज करूंगा। भाई और बहनों, ये एक इतनी एक्साइटिंग जर्नी है यहोवा की हजूरी को खोजने की। ये मज़हब नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये एक बहुत सिंटिलेटिंग रिलेशनशिप है, वेयर यू यर्न एंड लॉन्ग फॉर हिज प्रेजेंस ईच डे एंड एवरी डे। हालेलुया। ये विषय कल सुबह मैं कंटिन्यू करूँगा, और बहुत अद्भुत आशीष परमेश्वर आपको देने जा रहा है। दाऊद के तंबू के अंदर जाके हम देखेंगे अद्भुत बातें दाऊद के खेमा की। यही तंबू खड़ा किया जा रहा है इन अंत के दिनों में, और आप हैं ये तंबू, मैं हूँ ये तंबू। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग, परहैप्स 9:30 और 10 o'clock। प्लीज डू ज्वाइन मी एंड कंटिन्यू टू डिग डीपर इन टू द वर्ड ऑफ गॉड, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, ले असाइड एरोगेंस एंड प्राइड, हम्बल करें अपने आप को। हालेलुया। पढ़िएगा यकूब की पत्री, जेम्स 1:21, यकूब 1:21 पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।